नंबर वो ग्लेशियर तेरे पे है क्या? तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में जरूर बताना। वैसे बात करें आज की इस वाले गेम प्ले वीडियो की, तो सबसे पहले आप लोग अपने कानों में ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा लो, क्योंकि हमारे जो रैंडम भाई साहब है इनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगेगा जैसे सुबह नाश्ते में खाने की जगह गालियां खाते हैं, क्योंकि हर बात पे थोड़ी थोड़ी देर बाद गाली निकलेगी इनके मुंह से। तो बस आप लोग ईयरफोन लगा लो, इसको एक चेतावनी समझो। तो बात करें आज दो गेम प्ले देखने वाले हो, पहला होगा रैंडम के साथ जिसके अंदर काफी अच्छे रिएक्शन सुनने को मिलेंगे, और साथ ही साथ फाइट्स की तो पूछो ही मत। जो दूसरा गेम है ना उसके अंदर तो इतनी खतरनाक फाइट्स होगी, आज हम एक नया हाई किल रिकॉर्ड सेट करने वाले इस सीजन का, तो देखना बस वीडियो को एंड तक। वैसे क्लोज में मरने नहीं चाहिए तुम, ठीक है? टाइटल लिए हो, टाइटल का हक हो जाता ना पूरा। अरे भाई तुम उतारो हम उतारो एक ही बात है, चलो ना। तो अपना आना चाहिए ना पहले। क्या बोल रहा है? अरे यार मैं तो आज पहली बार खेल रहा हूँ यार। तो यहाँ इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। खैर अपन आते लैंडिंग पे, तो मैं सोचता हूँ सी बिल्डिंग उतरे, लेकिन हमारे टीममेट पास ही में मार्क कर देते, तो मैं बोलता हूँ भैया वहाँ जा रहे हो क्या? अरे बोर्ड भाई हम नंबर 4 हाँ ऑफिस ही जाएंगे, वरना भोसरे के लास्ट गेम उतरे थे भोसरे गन के बिना पहले गए थे, ऐसे ऑफिस सी बिल्डिंग तो नहीं उतरे थे। इतना तो मैं जानता हूँ कि जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ से ज्यादा ही गन्स मिलती है सी बिल्डिंग में, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ चलो इनके साथ ही चलते हैं। और यहाँ पे आना सही बताऊँ तो मेरी पहली गलती होती है, क्योंकि उतरते ही उजी तो मिल जाती है, लेकिन वो भी बिना एक्सटेंडेड मैक के। उसके बाद मैं पूरा घर छान मारता हूँ, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी लूट होनी चाहिए, लेकिन एक भी गन ढंग की नहीं थी। तो वही लेके मैं इधर आता हूँ, सामने बंदे होते हैं, मैं बोलता हूँ भैया तुमने वहाँ उतरवा दिया, गन तो मिली नहीं और सामने बंदे हैं, कैसे मारूंगा? अरे तुम चलो तो सही, अंदर भी पड़ा भी लेते हैं पहले भूसड़ी के। मैं 99% श्योर था कि पेटी बनेगी, और बन भी गई। मैं पीछे भागा, लेकिन मेरे पीछे कहां से बंदा आया नहीं पता। चलो कोई ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक काम कर दे सुनो, नंबर 4 अपन साथ ही भी हैं क्या इधर भी? हाँ भैया हाँ भी है ना, इवेंट चलते चल। खैर गुस्सा शांत करते हैं, जो हुआ होना था मतलब जाने देते हैं। अब यहाँ से काफी खतरनाक गेम आप देखने वाले हो, उतरते हैं लूट वगैरह करते हैं, उसके बाद पीछे देखता हूँ। एक सेकंड वो हेल्थ होके जाते हैं, देख लिया शायद अपन को। अरे यार आगे भाग रहा था फिर पीछे भागने लगा बंदा। यहाँ मुझे समझ आ चुका था आज अपने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं गलत था। जैसे ही आगे जाता हूँ, अरे कहाँ पे जा रहे हो? मैं तो इधर रिकॉल पे बैठा हूँ भाई, साथ ले लो। और यहाँ आके मैं फिर से समझ जाता हूँ कि भैया आज सच में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गलत पे गलत सीन हुए जा रहे हैं। अरे रुक जा बग्गी, तेरा कवर ले लूं। अरे बोट को भी मेरे को ही मारना है क्या? ओ भाई अभी यहां पे मैं परेशान हो चुका था, क्योंकि हर कोई मेरे को ही मार रहा है। नंबर वो ग्लेशियर तेरे पे है क्या? अरे भाई मैक्स लेवल, क्या बात है यार, कितने में पड़ा ब्रो?
मत डाल, मत डाल दे। क्यों बोल सड़ी के पिल गए ना। अरे 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 सोए सोए मैं अंदर। भाई फाइव केमो है क्या? हाँ हाँ देखता हूँ देखता हूँ, पहले हाथ लगा दे। नहीं है फाइव केमो तो। ओहो कन्नबर बहुत अच्छा खेल रहा है। गुड जॉब एक्सीलेंट। अरे मुंह पे चलते हैं ना, चल 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 हेल्थ करके चलते हैं इसके ऊपर ही। खत्म है उधर। हाँ भैया बे, ये क्या हो गया? तो अब जाके यहाँ के सारे बंदे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ब्रो ये सूट कितने लेवल का है अभी? कितने लेवल का है सूट? ये है भाई लेवल 6 का। 6 लेवल? बता तो उतार सकता है क्या? हाँ उतार सकता हूँ भाई, लेकिन तुमको नहीं दिखेगा। बैठो बैठो लौंडो बैठो। अरे इधर कुछ नहीं लूट है भाई, आ जा जा। Watch out! Watch out! Watch out! कहाँ पे हैं? नंबर 4। आजकल लौंडे यूजी से भी बकचोदी करते। चलो बैठो। ये क्या बंदा है जी? वैसे जो भी है मस्त है, मस्त बोल रहे हैं भाई। ये रहा ये फिनिश करेगा मादर चोद। इसको मैं, इसको मार। नंबर 4 हाथ लगा मेरे को पहले। हम हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा दे ब्रो। अरे ब्रो रिकॉल मार देगा वो इजीली। हेल्थ किट देना ठीक है। अरे वो टीपी भी ले रहा था मादर चोद। हेल्थ देना, हेल्थ हेल्थ। हाँ हाँ ये लो। और सुनो भाई यहाँ से हट जाना, ओपन में हो तुम। दो थे दो मादर चोद। पक बेंच चोद। अरे गलत आ गया, बोला था मैंने भाई पहले ही। चलो कोई ना, तुम्हारा बदला लेता हूँ अब। भाई फाइनली मैंने इसको मार दिया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं गया। भाई लेवल 6 तक सूट कितने में पड़ा? सब जानना है इस को। तो एक नंबर भाई का बदला हमने ले लिया। उसके बाद वो ऑफलाइन चले जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर भाई गए तो मज़े भी चले गए, और हमारे 2 नंबर और 3 नंबर तो बोल ही नहीं रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि तेज़ी तेज़ी से दिखा दूँ कि हमारा चिकन डिनर हो जाता है। उसके बाद हम आते दूसरे गेम में, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसके अंदर आज हम बना देते एक नया हाई किल का रिकॉर्ड इस सीज़न का। तो बस इसको देखना एंड तक, काफ़ी ख़तरनाक वाले क्लचर्स है। तो ये टीम खत्म हो जाती है। उसके बाद लूट करते हैं और फटाफट से भाग के इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे हैं। अरे तुम लोग आगे मत जाओ, पीछे आओ, मैं देख लूंगा, तुम मर जाओगे फोकट में।
अभी इस टीम को जैसे ही मारा उसके तुरंत बाद एक और टीम आती है, मतलब थर्ड पार्टी करना चाहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे इन बंदों को हमने मार दिया, उसके बाद आप किल देखो बहुत सही हो चुके थे। ऐसी उम्मीद लग रही थी कि आज तो अपन नया रिकॉर्ड बना देंगे। थोड़ा डर भी था मरने का क्योंकि यहाँ पे लैग हो रहा था मेरा डिवाइस। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़ी देर बाद देख लेना, आपको ऐसी अटकते अटकते दिख जाएगी गेम, क्योंकि आज तो रिकॉर्ड भी हुआ है। अभी मेरे को एडिटिंग के टाइम पे तो दिख रहा है, लेकिन अब यूट्यूब पे डालू उसके बाद कैसा दिखता है क्या पता। खैर वहां से निकल के जैसे यहाँ पे आते अपार्टमेंट में, तभी हमको लेफ्ट में कुछ बंदे दिखाई देते हैं। ये देखो गेम अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरे को तो यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे दिख रहा है। अब यूट्यूब पे आपको दिख रहा हो तो बताओ कमेंट में। खैर वहां पे उन भाई को नॉक फिनिश कर देता हूँ और हमारे दिल्लू भाई चले जाते हैं उसको लूटने। अब लूटने गए हैं तो समझ रहे हो कुछ तो होगा। खैर कोई ना, मैं ऊपर आता हूँ फ्लेयर चलाता हूँ ताकि अपना ड्रॉप आ जाए। काफी टाइम बाद, काफी दिनों के बाद हम फ्लेयर चला रहे हैं, नहीं तो नहीं चलाते हैं। चलो कोई ना, आप चला दी है उसके बाद वेट करेंगे। लेकिन तभी चलती है दिल्लू भाई पे गोलियां। अरे यार कौन बोला था वहां देखने जाने को? भगने को देख रहा है भगने। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कोई ना कोई तो जाएगा रिवाइव देने, और ऐसा ही होता है भाई, जाते हैं। मैं अभी नॉक कर देता हूँ, उसके बाद एक और भाई दिखाई देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मैं उस बंदे को मार रहा हूँ लेकिन वो उधर मुंह करके लेटा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद से वहाँ पे एक और टीम है। अरे इधर रोक दो पेड़ के पास, बस बस यहाँ पे। आ जाओ बग्गी पे, आ जाओ फिर बग्गी से एक राउंड मारते। दो है पर वो। अरे चिमटू तुमको कौन बोला था यहाँ पे आने को? खैर चलो रश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे खतरनाक सा 1v4 क्लच हो चुका है। मैं नहीं जानता, आप लोग फटाफट से लाइक कर दो। आज बहुत ही ज्यादा जोर से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ जिससे मेरी सांस भी फूल रही है क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है, गेम प्ले इतना खतरनाक है। खैर वहां से निकल के मैं आता हूँ इधर पोचिंग की तरफ, तभी सामने एक भाई साहब दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ गाड़ी चढ़ा दूं, लेकिन जो गलत सीन होगा। मुझे कोई ये बता दो कि क्या आपको आवाज नहीं आई गाड़ी चढ़ने की इस बंदे के ऊपर? आई ना, मुझे भी आई थी, लेकिन जब पीछे देखा तो भाई साहब तो उड़ रहे हैं। चलो कोई ना, आप रिवाइव हो जाते हैं, उसके बाद रश करते हैं उन बंदों पे जो कि मेरे को मारे। आ
अबे गाड़ी से उतरो, कुंभकर्ण मार देगा वो। अरे यार एग्जिट ही नहीं हो रहा था ब्रेक से। Marked a vehicle. चुल, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो चुल होती है ना, ये किसी इंसान को शांत रहने नहीं देती। वो बंदे फ्री फायर दे रहे हैं लेकिन मेरे को घुसना है। तो फाइनली ये टीम खत्म हो जाती है। थोड़ी गलतियां भी हुई थी लेकिन वक्त रहते ही अपन ने सुधार ली, वरना तो पेटी बन जाती। खैर वहां से निकलते हैं, उसके बाद जैसे इधर आते हैं तो सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है जो कि बहुत तेजी से मूव करता है। तो मेरे को लगता है भैया कहीं ये वो तो नहीं है, लेकिन शायद से ऐसा नहीं था, भाई का नेट खराब था। तो हम लोग घुमा के इधर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किल फील्ड में देखो, एक बंदे ने खुद को जला लिया है। अभी तक मैं इतना चिल्ला लिया कि मेरी अब आवाज ही नहीं निकल रही। मैं अभी ऐसे चिल्लाने वाला था कि हो इस टीम को हमने मार दिया, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। चलो कोई ना, अब वहां से निकल के जैसे हम यहाँ पे आते हैं, सामने लड़ाई हो रही थी, आवाजें सुनाई दे रही थी, तो यहाँ पे वेट करता हूँ। तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है। अरे यार मेरी वो किल चोरी हो गई। ये ले मैंने भी चुरा ली। किल मिल गई, मतलब इसके टीममेट को किसी और ने वेक्टर से मार दिया, जो कि सामने की तरफ ही ये आवाज भी आई थी। तो फटाफट से बग्गी लेकर चढ़ जाता हूं इस पे। एक सेकेंड भाई, कुछ रिलोड कर रहे थे क्या? पास में जाके देखते हैं। खुल जा पेटी भाई, खुल क्यों नहीं रही? खुल जा खुल जा। नीचे, अच्छा शायद से M249 रिलोड कर रहे थे भाई, तभी इतना टाइम लग गया, तभी ये मार नहीं पाए और अपन ने इनको मार दिया। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी अगली वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।